हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वह है क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, द कोशियंट एंड रिमाइंडर वर एक्स माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड जी ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में कहा है कि जब इस पॉलिनोमियल यानी एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इस पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया गया, तो डिवाइड करने के बाद कोशियंट कितना आया, एक्स माइनस 2, एंड जो रिमाइंडर आया है वो माइनस का 2x प्लस 4 है। तो बताइए कि जी ऑफ एक्स क्या है, यानी इस पॉलिनोमियल को जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया वो पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारा डिविडेंट है। ठीक है, जी ऑफ एक्स डिवाइजर हमें पता करना है, एक्स माइनस 2 कोशियंट दे रखा है और ये दे रखा है हमें रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, और हमें पता करना है जी ऑफ एक्स मतलब डिवाइजर। तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले डिविडेंट क्या दिया है, डिविडेंट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इसके बाद कोशियंट, कोशियंट इज गिवन एज एक्स माइनस 2, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या दिया हमें, माइनस का 2x प्लस 4 और जी ऑफ एक्स, ये है डिवाइजर, डिवाइजर ये है जी ऑफ एक्स, ये हमारा मिसिंग है, ये हमें नहीं पता, तो यही हमें फाइंड करना है। अब इनके बीच में जो रिलेशन है ये हमें पता ही है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, पहले तो इसमें रखें हम, डिविडेंड कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर जी ऑफ एक्स इंटू कोशियंट, द कोशियंट इज एक्स माइनस 2 एंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, हमने इसमें सारी वैल्यूज रख दी। अब इसे सॉल्व करें और जी ऑफ एक्स को बिल्कुल अलग करेंगे। ठीक है, तो देखें एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2, और इसे सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 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 और 4। ठीक है, अब ये दोनों को उस तरफ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2, और ये इधर आया तो माइनस का, माइनस का यहाँ के प्लस का, प्लस का 2x, और ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस का, उधर जाके माइनस का 4 इज इक्वल टू, यहाँ से बचा है जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो एक्स क्यूब माइनस 3x², ये x वाला टर्म है और ये x वाला है, ये प्लस का ये भी प्लस का, प्लस 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 x और 2x ये हो गया 3x, वो भी प्लस का, क्योंकि जो ग्रेटर है 2x उसके बाद प्लस साइन है, फिर ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, वो भी माइनस का क्योंकि 4 के पास माइनस साइन है तो माइनस का 2। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर ये आ गया इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स और एक्स माइनस 2। ठीक है, अब क्या है, जी ऑफ एक्स को अलग करना है, ये यहाँ इंटू कर रहे हैं, इसे नीचे डिवाइड में कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय दिस एक्स माइनस 2 और यहाँ बचा जी ऑफ एक्स। अब क्या है, जी ऑफ एक्स इसकी जो वैल्यू आएगी यानी इससे हम इसे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वही क्या होगा, जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, मीन्स जो कोशेंट आएगा इनका वही क्या होगा, आंसर होगा। तो हम डिवाइड करते हैं अब। ठीक है, नाउ डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बाय दिस एक्स माइनस 2।
ठीक है, x माइनस टू डिवाइड करना है x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को, ठीक है ओके। तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, हमें तीन चीज़ बनाए हम, फर्स्ट टर्म, कोशियंट और रेस्ट ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इसे डिवाइड करना है इस फर्स्ट टर्म यानी एक्स से, एक एक एक्स से एक एक्स चले जाएगा, बचेगा कितना दो, यानी एक्स स्क्वायर कोशियंट में आ गया, ये यहाँ रख दीजिए एक्स स्क्वायर। फिर इसका इनटू करना है इस वाले टर्म से, यानी जो डिवाइज़र का बचा हुआ टर्म माइनस टू, तो ये कितना हो जाएगा प्लस इनटू माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब जो पहला टर्म है उसे ऐसे ही रख दीजिए जो है, ठीक है। और ये जो टर्म आया है ये किसका आया है, स्क्वायर का, तो स्क्वायर वाले के नीचे, तो यह आया माइनस का टू एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस करें तो साइन बदल जाएंगे, ये यहाँ प्लस का ये हो जाएगा माइनस, ये यहाँ माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और ओके ये तो कैंसिल हो गया और ये हो गया माइनस प्लस माइनस, थ्री में से टू गया वन एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का क्योंकि थ्री के पास माइनस साइन है, माइनस का वन एक्स स्क्वायर। फिर ये बचे हुए टर्म्स ऐसे लिख दीजिए, प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू, ठीक है। अब आगे करें, अब यही के स्टेप हम फिर से दोहराते हैं इसके साथ। तो अब पहला टर्म क्या है, माइनस का वन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसके फर्स्ट टर्म से एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, और बचा क्या हमारे पास माइनस का वन एक्स, क्योंकि दो में से एक चला गया तो एक ही बचा है माइनस का वन एक्स, ठीक है। ये हमारा किस में है, कोशियंट में, तो कोशियंट में लिख दीजिए इसे माइनस का एक्स, ठीक है। और फिर इनटू इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस माइनस टू से माइनस टू, तो ये कितना आ जाएगा माइनस इनटू माइनस प्लस वन टू जेड टू, और वो भी एक्स का, ठीक है। अब देखिए पहला टर्म ऐसे लिख दीजिए, माइनस का वन एक्स स्क्वायर, ये एक्स का टर्म है, ये इसके नीचे आ जाएगा प्लस का टू एक्स, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए तो साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, थ्री में से टू गया जस्ट एक्स, वो भी प्लस का क्योंकि ये ग्रेटर है एक्स, और ये ऐसे ही लिख दिए माइनस टू, ठीक है। अब देखिए ये एक्स माइनस टू ही है और यहाँ भी एक्स माइनस टू ही है, तो ये तो अपने आप ही प्लस वन टाइम्स ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि x माइनस टू वन जा x माइनस टू, तो वन टाइम्स x माइनस टू, इसे इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। और साइन बदलेंगे तो ये प्लस का ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल ज़ीरो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इससे हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारा जो आंसर आया यानी कोशेंट जो आया अब यही है, ठीक है। तो इसका आंसर ही जी ऑफ एक्स के बराबर है, क्योंकि जी ऑफ एक्स इस डिवाइड के आंसर के बराबर यहाँ शो किया गया, तो हमारा जो आंसर है वो है ये, यानी कि जी ऑफ एक्स जो है वो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही हमारा आंसर है, यही हमें फाइंड करना था। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।